बिना एक भी रुपया खर्च करे घर पर कैसे नीडेबल इरेजर बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। यह है हमारा मार्केट से खरीदा हुआ नीडेबल इरेजर, और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम कभी ग्रेफाइट या चारकोल की ड्राइंग बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, कहीं पर हमारा ज़्यादा चारकोल या ग्रेफाइट लग जाता है। सो अगर हम उसे इरेज करना चाहते हैं और हम हमारा नॉर्मल इरेजर यूज़ करते हैं तो हम अनवांटेड जगह पर टच होकर हमारी ड्राइंग को टोटली बिगाड़ देता है, ड्राइंग को ख़राब कर देता है। इसलिए हमें नीडेबल इरेजर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इसे मोल्ड करके काफ़ी छोटा शेप दे सकते हैं और एक ग्रेफाइट को बहुत ही, ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों को ही बहुत अच्छे से पिक कर लेता है फ्रेंड्स। सो नीडेबल इरेजर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसे पॉइंटेड बनाकर हम इसे छोटी से छोटी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल इरेजर में नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हर आर्टिस्ट के पास ये होना बहुत ही ज़रूरी है, और आप देख सकते हैं कि आई वाला पार्ट हमारा कितना ज़्यादा छोटा, और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल इरेजर का यूज़ करती तो आई के किसी भी पार्ट पर टच होकर यह हमारी ड्राइंग को बिगाड़ सकता है। तो इसे हमें नहीं यूज़ करना है। छोटी जगहों के लिए हमें हमारे पास नीडेबल इरेजर होना बहुत ही ज़रूरी है, और कहीं जगह पर ये नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घर पर बना सकते हो बिना एक भी रुपया खर्च करे। आपके पास नीडेबल इरेजर होगा और सो इसके लिए हमें एक सेलो टेप की ज़रूरत होगी। आपके घर में जो भी सेलो टेप हो, हमें केवल इसके स्टिकी पार्ट से मतलब है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप इस तरह से किसी बॉटल पे जो ये स्टिकर चिपके होते हैं या किसी भी चीज़ के स्टिकर का आप स्टिकी साइड ले सकते हैं, और उसे यूज़ करके हम अपना नीडेबल इरेजर बनाएंगे। इस तरह की छोटी टेप भी आप ले सकते हैं, बट इसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए अगर ये होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इस तरह से आपको सेलो टेप को थोड़ी सी खोल लेना है, और इसके बाद हम एक सॉफ्ट इरेजर लेंगे। मैंने यह अप्सरा का लिया है, नटराज का बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी हार्ड होता है। और इस तरह से हम सेलो टेप पर इसे रब करते जाएंगे और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, सो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर इसके पार्टिकल्स को अलग से निकाल लूँगी, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एमरी पेपर का। और एमरी पेपर पर मैं इस तरह से इसे रब करके इसके पार्टिकल्स इकट्ठे करूँगी, और थोड़े थोड़े पार्टिकल्स इकट्ठे होने के बाद मैं इसे सेलो टेप पर डालती जाऊँगी, और इन छोटे छोटे पार्ट को टेप और इरेजर के बीच में लेकर इस स्टिकी पार्ट पर रगड़ेंगे ताकि उनमें स्टिकनेस आ जाए और ये पार्टिकल्स आपस में जॉइंट हो पाए। करने में काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। आप सोचें कि ये फटाफट से हो जाए, तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी परेशानी तो होगी, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर हमें नीडेबल इरेजर बनाना है घर पर आसानी से तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सो मैंने यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स को ज्वाइंट कर लिया है। इसे रब करना जितना मुश्किल था उतना ही मुश्किल इसे निकालना भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एमरी पेपर लेंगे और उसे इस तरह से रगड़ेंगे। सो इसके स्टिकी पार्ट्स पूरे यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से। सो एमरी पेपर भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है हमारी ड्राइंग के लिए, और इसे मैं हमेशा अपने बॉक्स में एक दो सेट रखती ही हूँ, क्योंकि एमरी पेपर हमारे जो भी पेंसिल शॉर्प करने पर टूट जाती है, बार बार दिक्कत देती है, तो उससे हम पॉइंटेड इसी से बनाते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, एमरी पेपर हमारी ड्राइंग मटेरियल के साथ साथ होना ज़रूरी है। और देखिए, मैंने इतने पार्ट इतनी देर के बाद इतना इकट्ठा हो गया है, और इसे और भी स्टिकी बनाकर मैंने इतना निकाल लिया है। ये देखिए, इतना मेरा बन चुका है, और इसे अप्लाई करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। सो वही ड्राइंग मैंने वापस से ली है, और मैं यहाँ पर ग्रेफाइट पिक करके देखती हूँ कि ये हो पा रहा है कि नहीं। हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये इरेज हो रहा है आसानी से, और हमारे जो ग्रेफाइट है इसमें आसानी से पिक हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए। सो अब मैं आपको मार्केट वाले नीडेबल इरेजर और होममेड नीडेबल इरेजर दोनों का एक और टेस्ट करके बताती हूँ।
यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर मैं ग्रेफाइट की एक लेयर लगा दूंगी। तो चलिए दोनों इरेजर का टेस्ट करके देखते हैं। सो पहले मैं यहाँ अप्लाई करूँगी हमारे नीडेबल इरेजर मार्केट वाले को, और इसके बाद मैं अपने होममेड नीडेबल इरेजर को अप्लाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिजल्ट बिल्कुल सेम है,